आप सबको स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं 3 अप्रैल के ईश्वर वरदान में, हर आत्मा से अटूट प्यार। देखा जाए तो अगर हम देखें संसार में संबंध जुड़ता है, अगर आप सेम प्रांत के हैं, सेम देश के हैं, एक ही धर्म के हैं या एक ही कल्चर के हैं और एक ही रंग रूप के हैं तो आपका रिश्ता जुड़ता है। लेकिन परमात्मा यहाँ पे आत्मिक और रूहानी प्रेम की बात कर रहे हैं। तो देखें इस वरदान में परमात्मा कहना क्या चाहते हैं। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। स्नेह संपन्न व्यवहार, जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, परमात्मा के प्रति अटूट है, अखंड है, अटल प्यार है। कोई बोल ही नहीं सकता कि भगवान को प्यार करना छोड़ो। कोई बोल भी दे तो आप सोच ही नहीं सकते क्यों, क्योंकि कोई खोट नहीं, कोई खामी नहीं है परमात्मा में, पवित्र है और उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। निश्चय है ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। ब्राह्मण आत्माओं के साथ में भी कैसा हो, आत्मिक प्यार हो, अखंड और अटूट हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो, कैसे भी बिहेवियर हो, कैसे भी उनके अंदर आदतें हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है। सारे कल्प मतलब कई जन्मों का ये संबंध है। हाँ, कलयुग में आकर के आत्माएं काली हो चुकी हैं तो उनके अंदर खामियां दिखती हैं। परमात्मा कहते हैं मैं उनकी खामियां देख करके फिर भी उनसे प्यार करता हूं। तो तुम भी अगर ब्राह्मण हो, ब्रह्मा के बच्चे हो, मेरे पहले एडम के बच्चे हो अगर तुम भी, तो तुम्हें भी मेरे जैसे ही उनको प्यार करना है, चाहे वो कैसे भी हो। ईश्वरीय परिवार है, बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। यह स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। हमारा व्यवहार उनके साथ में स्नेह संपन्न होगा, अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं होगा। और जिसका अंदर कुछ बाहर कुछ बिल्कुल बराबर हो जाता है, कुछ डिफरेंस नहीं रहता, उसको हर कार्य में सफलता मिलती है, हर चीज में वो आगे बढ़ती जाती है आत्मा, क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस प्योर होती हैं, हर कोई उसको सहयोग करने के लिए तैयार होता है। इसलिए हर के प्रति अपने संकल्पों को पहले पवित्र बनाएं, बाहर से सिर्फ प्यार नहीं, अंदर से भी, संकल्पों से भी हर किसी से प्यार करें। यही चीज आपको आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, हर चीज में आपको मदद करेगी। आसपास के लोगों के साथ भी आपका व्यवहार अच्छा, अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं, दोनों बराबर। इसको आप मेडिटेशन में ठीक कर सकते हैं। अंदर कुछ अगर हो रहा है तो आइए प्रमुख कुमारी में आइए और अंदर वाले उस सत्य को साफ करें, ताकि आपके संबंध ठीक हो और आप सफलता मंद बने। ओम शांति इसके साथ।